हेलो स्टूडेंट, आई एम तमन्ना फ्रॉम विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल हुना। आई होप कि आप सबने यूनिट 3 की वर्कशीट 1 to 15 कंप्लीट कर ली होंगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप वो क्वेश्चन यूनिट 3 का शेयर कर सकते हैं और आंसर पूछ सकते हैं। तो आज का आपका वर्क है, आपने 3 डायग्राम ड्रॉ करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। फर्स्ट डायग्राम है लेयर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की लेयर्स कौन कौन सी हैं, ये डायग्राम आपने अपनी फेयर नोटबुक में ड्रॉ करना है। देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ। कौन कौन सी लेयर हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर के 2 पार्ट हैं, आउटर कोर और इनर कोर। तो ये डायग्राम हमें अपनी फेयर नोटबुक में ड्रॉ करना है। तो ये आपका फर्स्ट डायग्राम था। सेकेंड डायग्राम है जो आपको ड्रॉ करना है अपनी फेयर नोटबुक में, फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक क्रॉक्स। देखिए, ये आपको ड्रॉ करना है सेकेंड डायग्राम, मेटामॉर्फिक क्रॉक की फॉर्मेशन, कि मेटामॉर्फिक क्रॉक किस तरह से फॉर्म होते हैं। आपने स्टडी किया है, पढ़ा है कि मेटामॉर्फिक क्रॉक किस तरह से बनते हैं। सी बेड में जो रॉक्स पाए जाते हैं वो कौन से रॉक हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए, मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन किस तरह से है। यहाँ से बहुत सारी हीट है और ऊपर से बहुत सारा प्रेशर है, तो यहाँ पे जो रॉक्स बनेंगी वो कौन सी हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ से प्रेशर आएगा और यहाँ से हीट आएगी, तो बीच में जो रॉक बनेंगी वो क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। फिर सेडिमेंट्री रॉक से क्या बनेगा? हीट और प्रेशर मिलने के बाद वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगी। ये फॉर्मेशन है मेटामॉर्फिक रॉक की, और सेडिमेंट्री रॉक से बन रहे हैं ये। तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म हुई वो ये डायग्राम है, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये आपको ड्रॉ करना है सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन। फिर आपको ड्रॉ करना है फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना है वो है रॉक साइकिल। देखिए, रॉक साइकिल क्या है? तो इग्नियस रॉक वेदरिंग एंड इरोजन से सेडिमेंट्स में चेंज हुआ, फिर सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, फिर हीट और प्रेशर मिलने से मेटामॉर्फिक रॉक प्रिपेयर हुए, उसके बाद वो मेल्ट होकर मैग्मा में चेंज, फिर मैग्मा फिर से कूल, फिर वो इग्नियस रॉक में चेंज हो गए। तो ये था आपका रॉक साइकिल जो आपको ड्रॉ करना है। तो 4 डायग्राम हुए आपके। फर्स्ट है लेयर ऑफ द अर्थ, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, फोर्थ है द रॉक साइकिल। ये 4 डायग्राम आपको अपनी फेयर नोटबुक में ड्रॉ करने हैं, और इनके जो नेम हैं वो आपको अच्छे से लर्न और राइट करने हैं। थैंक यू।